उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जो इतनी वरफतगी से इनको निहारते हो। इश्क हो गया है क्या तुम्हें इनसे? मैंने कहा, मुझे इनसे इश्क हो गया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनकी वजह से मैं इश्क जरूर हो गया हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे टू और रात बहुत ही खतरनाक गुजरी। ठंड में चाय पीने का मज़ा बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। अभी हम लोग अभी बस चाय पी रहे हैं सब लोग सो के उठे हैं। क्या बोलते हैं बोले यार, हाथ जमे हुए, पैर जमे हुए, क्या देख रहे हो इसे बर्फ है। यू वोंट बिलीव कि टेंट में ही बर्फ जम गई थी ऑलमोस्ट। सो एज आई सेड, इट्स डे टू केदार कांटा ट्रैक का और अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे बेस कैंप की तरफ और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है ये। अभी पीते हैं चाय और आपको दिखाते हैं थोड़े नज़ारे। ये बहुत ब्यूटीफुल है, देखो। जय बम बम बोले, जय बम बम बोले। चलो तो शुरुआत हो चुकी है गिरने से। डे टू की शुरुआत बहुत ही सही। भाई भी गिर चुके हैं, भाई भी बड़ा भाई गिर चुका। डे टू की शुरुआत गिरने से हुई है तो आई गेस हम उठेंगे। हम उठेंगे और मैं उठाया ऐसे उठेंगे कि हम ऐसे भी उठेंगे और चलेंगे भी। काफी ब्लैक आईज इस तरफ। लेट्स गो। बहुत ही क्रेजी जगह, बहुत ही भीड़ है। कुदरत का करिश्मा देखो, ये सारे प्राणी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ कुछ तो कूद कर खड्डा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बर्फ की चादर इतनी मोटी है ना, खड्डा हो ही नहीं रहा है। तो पूरे तो इस तरफ पूरी ये जो है पूरी फ्रोजन है, लेकिन उस तरफ अभी भी मतलब पत्ती चादर है और बहुत चिल वाइब्स ब्रो। मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे और वो इस जगह रुके थे और महादेव ने, शिव जी ने उनके बाल खोले थे तो उनकी जटा से जो पानी निकला था उससे ये लेक बनी थी, तभी से इनका इसका नाम पड़ा है जुड़ा का तालाब। तो यार कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत फैसिनेटिंग लगती है ये सब सुनने में और कितना सही है। और मैंने यहाँ के लोकल से पूछा था तो लोकल्स बता रहे थे कि ठंडियों में यहाँ पे जो पूरा फ्रोजन है ठंडा पानी है, लेकिन यही पानी जब विलेज में नीचे गांव में निकलता है तो वो गर्म होता है, और समर में सेम उल्टा कि नीचे तो आपको ठंडा पानी मिलता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इस जगह को लेके भी। एंड अभी यहाँ पे थोड़ा से और फोटोज़ और वीडियोज़ निकालेंगे और फिर चलेंगे अपने बेस कैंप की तरफ। Let's go. मुस्कुराती वादियों में भी छुपी है एक कहानी, एक कहानी। गुनगुन
सुनाती ये हवाएं गा रही है एक कहानी एक कहानी। चल पड़ा हूँ मैं अनजानी राहों में, सपने हजारों हैं मेरी निगाहों में, कौन जाने रास्ते ये क्या छुपाए क्या बताए क्या बताए। दूर कोई आसमां है जो ये जाने। भाई कैसे लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बस सांस फूल चुका है, मेडिसिन खा चुका है, बहुत लोगों को उल्टी करते हुए। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आ रहा है, बस चल रहे हैं। फोटो अच्छी आ रही है ना? HM26 बजाओ। वहाँ जाना है कल। हाँ सीधा सारा पर वो है केदारकांता पीक, जो अभी दिख भी नहीं रहा है, पूरा फॉग में ढका हुआ है। बहुत मजा आ रहा है, क्रेजी क्रेजी लेवल। लेट्स गो, अभी चलते हैं। पहुँच गए ऑलमोस्ट केदारकांता बेस कैंप पे, यहीं पर होने वाला है अपना कैंपिंग, अपना स्टे आज रात यहीं पे। रीच्ड केदारकांता बेस कैंप और अभी पहुंच गए हम लोग 11,500 फीट पर, तो सी लेवल से ऊपर है काफ़ी, बहुत ऊपर है। और ये सारा पूरा बेस कैंप है और वहाँ है पीक उस तरफ, ये है हमारा कैंप और ये पीछे वाला हमारा टेंट। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, मेला। इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। दुख इस बात का है कि सिर्फ दो लोग नहीं है, बट खुशी इस बात की कि हम दो यहाँ पे। अमेजिंग। हमारे बैग आ गए और इसी के साथ हमारे बैग आ चुके हैं, विच इज़ गुड। अपनी ही है ना? अपनी ही है, हमारा बैग लटक रहा है। बैग आ चुके हैं, अभी यहाँ पर करेंगे लंच। और आज रात में 2 बजे हम चढ़ेंगे केदारकांता पीक के लिए, तो लेट्स सी कैसे जाती है आज की शाम यहाँ पर। माइक्रो स्पाइक्स एंड गेटेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रैक के लिए, और अगर तुम केदारकांता ट्रैक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जूते में पानी नहीं जाएगा बर्फ़ से, और ये आपको फिसलने से बचाएंगे। तो अभी ये मिल गया है कल के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहनना है इसको। सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या राजू नाम रखा था ना इसका? डन। देखा नहीं तुझे अरसों से, बात नहीं अब बरसों से, हुए हुए तेरे चर्चों से है कहाँ। पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में ये मफलर तेरा है, आके तू इसको आधा ओढ़ जा। टू एम इन द मॉर्निंग और चाय की चुस्की के साथ जय बाबा भोलेनाथ। भाई को दिखाओ, जय बाबा भोलेनाथ का नाम लेके अभी हम लोग सीधा पीक पर चढ़ने वाले हैं। पूरा आसमान खुला है, पता नहीं कुछ दिख रहा होगा नहीं, नीचे सारे कैंप सब रेडी है, केदारकांता पीक रेडी। सो भी रेडी दिख रहा हो? चलो लेट्स गो।
पहुंच गए हैं केदारकांता, फाइनली वी रीच्ड, फाइनली केदारकांता पीक पर, केदारकांता पीक पॉइंट, इट्स अ समिट, इट्स अ समिट, इट्स कॉल्ड समिट, केदारकांता समिट। और हम लोग हैं 12,500 फीट की ऊंचाई पर। भाई पहुंचे हैं अभी अभी, व्यूज देखो। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आज। हेलो भाई, सब लोग फाइनली पहुंच गए हैं पीक पर। काफ़ी लोगों ने गिव अप नहीं किया, हमारी बैच से 3 लोगों ने गिव अप कर दिया, जिसमें से एक बंदी की तबीयत ख़राब हो गई, इसके वजह से उसको वापस जाना पड़ा। और बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं, हेमंत और हमारे साथ और 3 लोग थे जो सबसे पहले पीक पर पहुँचे। पूरा अंधेरा था, फील्स अमेजिंग एंड यू अचीव समथिंग। 12,500 फीट पर आना मजाक की बात नहीं है। पूरे पैर ठंडे पड़ गए, जाम हो गया, पूरा सुन्न पड़ गए, हालत ख़राब हो गई है। बाइक के ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, पर फिर भी गिव अप नहीं किया, अपनी किया है और फिर भी ऊपर आया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और नतीजा तो खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अभी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, अभी हमारी बैच यहाँ पर जमा हो रही है एंड अभी हम लोग निकलेंगे नीचे और सीधा नीचे मिलेंगे। एंजॉय। कैसा रहा भाई? आजा भाई, जल्दी आजा, आ गए, आ गए, आ गए, बड़ी आ गए। क्या कर लिया? एक गाली तो बनती है। अरे बैच जॉब किधर कर गया? अबे फोन पर, फोन पर फाइनली सर्टिफिकेट मिल गया है। फाइनली तुम्हें दिखा, तुम्हारा उल्टा ही दिखा रही है। सीधा दिखा दूँ। इसी के साथ खत्म होता है हमारा केदारकांता का ट्रैक। बाय बाय संक्री, बाय बाय, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मुझे पता है आपको सेकेंड एपिसोड भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भूलना नहीं वो बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, जिससे आपको हमेशा मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे फोकस।
देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया।